So guys, let's discuss this question. Question is, among India, Pakistan and China, Dash has the highest urbanization. इन तीनों कंट्रीज में से अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिली थी, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन इन तीनों के कंपैरिजन में कहाँ पे थी? अर्बनाइजेशन इज व्हाट? अर्बनाइजेशन मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज इनटू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज इनटू अर्बन एरियाज इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज अर्बनाइजेशन. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज इनटू अर्बन एरियाज इज नोन एज अर्बनाइजेशन. एंड अर्बन एरियाज कैसे डेवलप होते हैं? हाउ दीज अर्बन एरियाज आर डेवलप्ड? सो दीज अर्बन एरियाज आर डेवलप्ड व्हेन द पॉपुलेशन शिफ्ट्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू दी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. जब पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी मतलब क्या होता है, जनरली प्राइमरी इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर ना सारा रूरल एरियाज में ही देखा जाता है, रूरल एरियाज में ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज देखी जाती है. तो जब पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल सेक्टर छोड़ के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट करती है, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? अर्बन एरियाज में देखने को मिलता है. तो वो ऑटोमेटिकली रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे. तब जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे एंड हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगी. एंड सबसे ज़्यादा इन तीनों कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर किसका डेवलप्ड था एंड कौन इसको डेवलप करने के लिए स्टेप्स उठाता था? तो चाइना वॉज द वन जिसका चाइना हैड द मोस्ट डेवलप्ड as the most developed industrial sector. चाइना का सबसे ज़्यादा developed industrial sector था, that's why सबसे ज़्यादा urbanization भी जो थी वो चाइना में ही देखने को मिलती थी. So the correct answer to this question is China.